अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ मैं दिखाई थी कि मैं इस टिशू होल्डर पे ना रैक पे रख के मोबाइल की एडिटिंग शूटिंग कर रही थी, क्योंकि स्टैंड काफ़ी ख़राब हो गया था, मीन्स कि टूट गया है वो। और मैंने भी एक नया ऑर्डर किया था कि इस तरह से मैं प्रॉपर वीडियो आपको शूट करके ना व्लॉग में दिखा सकूँ। तो खैर काम हो रहा है मेरा, तो वो जो छोटे वाले होते हैं ना होल्डर, जो स्लिप पे रख के आप आराम से वीडियो शूट कर लेते हैं किचन की, स्पेशली हांडी शांडी भी उसमें नज़र आ रही होती है प्रॉपर अंदर से। तो बस रेसिपी शेयर कर लूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी ना कीमा पालक की रेसिपी है, बहुत ही यमी और बहुत ही जल्दी बनने वाली। खैर मैंने यहाँ एक अदद प्याज ले लिया था और 1 किलो प्याज, सॉरी पालक है, 1.5 किलो पालक है और 1.5 पाव तकरीबन कीमा है। अगर आपके पास 1 पाव कीमा है तो आप 1 किलो पालक ले लें। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही जल्दी से ही बनने वाली रेसिपी है सहरी में भी, लेकिन मैंने जो है ना इसको 9 बजे के करीब स्टार्ट किया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं 9 बजे ईशा की नमाज़ से फारिग होकर अपने बच्चे वगैरह सुला के ना, स्पेशली दो इज़्ज़ा और हसनैन, फिर मैं अपने किचन में आती हूँ। और बहुत से लोग इसको ना सेव करके भी रखते हैं, स्टोरेज करके भी रखते हैं। खैर मेरे हस्बैंड को ताज़ा और फ्रेश ही वेजिटेबल्स पसंद है, जिसमें स्पेशली पालक हो गया, भिंडी हो गया। और मेरी फैमिली भी छोटी सी है तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, 1.5 किलो पालक काटने में 10 से 15 मिनट मुश्किल से। और 10 से 15 मिनट के दौरान ना कढ़ाई भी साथ में रख देती हूँ, अगर जो मेरी सिस्टर नई नई शादीशुदा हैं बहनें, तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं कि एक जगह उन्होंने कढ़ाई में प्याज फ्राई करने रख दिया, दूसरी साइड पालक काटती गई और एक तरफ रख दी गई। साथ ये बर्फ़ किया हुआ कीमा था, ये पहले से मैरिनेट था, मींस के टमाटर और ब्लैक पेपर में ही पहले से मैरिनेट था अदरक लहसुन के साथ, जो कि आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट पैकेट रमज़ान के अलावा भी मेरे किचन में होते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली फ्रिज में। तो खैर अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अगर इसको मैं दो तरीके से आपसे शेयर करूँगी कि पहले तो आपने प्याज कट कर लिया और उसमें आपने 3 लौंग, बड़ी इलायची और ज़ीरा डाल के कीमा ऐड कर दिया, फिर 2 चम्मच चिली, ग्रीन चिली पेस्ट के चले गए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का चला गया, 1/2 से 1/2 टीस्पून पिसे हुए गरम मसाले का चला गया। ठीक है, ये 1 पाव का बता रही हूँ मैं आपको, 1 से 1.5 पाव कर लें चले। ठीक है, और ये देखिए मुझे टमाटर काटने की बिल्कुल भी जहमत नहीं हुई, जहमत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकफास्ट पैकेट इस तरह से मैं रेडी करके रखती हूँ सहरी के लिए भी, स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो पालक भी कट हो रही है, साथ में वो बर्फ़ था तो वो जब तक मेल्ट हो जाएगा मसाले में तब तक मेरा पालक कट जाएगा। और एक तरीके से अच्छा भी है, जिनकी फैमिली बड़ी है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं मेरी बहनें, उनके लिए अच्छा है कि वो पालक को काट के बॉयल करके फ्रीज़ करके रख लें पैकेट्स बना के, वो ज़्यादा सही रहता है। हर इंसान की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं, तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है मेरे घर में, लेकिन ये इतने मज़े की बनी थी ना कि मेरी दोनों बच्चियों ने भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाई थी दोपहर में, लंच टाइम में ना। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जो बनता है वो लंच टाइम में यूज़ करती हूँ, लाजमी सी बात है, सब फ्रेश ही होता है तो वेस्ट तो करना नहीं होता। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दिया गलने के लिए, मीन्स के 10 मिनट्स के लिए इसको मैं गलने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जब तक आप दूध गर्म कर लें, आटा गूंद लें, मीन्स के, और आटा मैं किस तरह से गूंदती हूँ कि मलाई डाल देती हूँ उसमें दूध की, तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रम क्रम खस्ता पराठे बनते हैं। साथ ये बचा हुआ रूह अफ़ज़ा था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये भी मैं इंजॉय कर रही थी। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये जो सिलेंडर की गैस है ना, इसने इतना कबाड़ा कर रखा है पतीलियों का, चांदी जैसी चमकती थी ये पतीलियाँ कभी, तो बेचारी मेरी मैड भी बड़ी मेहनत से मांझती है, मैड मांझ के चली जाती तो मुझे सुकून नहीं आता, तो फिर मैं भी इसको थोड़ा सा मांझ के ना फिर मतलब रखती हूँ चूल्हे पर, लेकिन ये पतीलियाँ बहुत बुरी तरह से काली हो जाती हैं सिलेंडर वाली गैस पर। खैर जल्दी आ जाएंगे। और ये मेरा प्यारा दोस्त शान का पैकेट, मतलब हर ग्रोसरी में मैं इसको लेती हूँ, बड़ा जो है ना, अगर आपने क्विक सा फ्लेवर देना है ना बहुत अच्छा सा, तो बस इस ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ 2 चम्मच दही के चले गए, ऑलरेडी इसमें टमाटर भी थे, तो आपने क्या करना है 1 चम्मच इसका ले लेना है। ठीक है, 1 चम्मच या 1/2 टीस्पून, मैं यहाँ 1 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा तीखा खाते हैं। तीखे का मतलब ये नहीं होता कि लाल मिर्ची का पाउडर आप ऐड कर दें उसमें डायरेक्टली, मतलब फ़्लेवर के हिसाब से भी तीखा होना चाहिए, मज़ेदार सा ना, तो इसी तरह से बनता है, बहुत मज़े का बनता है ये कीमा पालक। और अगर आप क्वांटिटी बराबर रखेंगी ना पालक की और कीमे की, तो यकीन करें बहुत ही मज़े का लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पालक पालक आ रहा होता है। खैर अभी जो है ना, दूसरा तरीका आप इस तरह से कर सकती हैं कि प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन एक साथ पीस ली आपने, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन एक साथ पीस के उसको फ्राई कर लिया, फिर आपने कीमा डाला, उसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला, इसको अच्छे से फ्राई किया, 2 अदद टमाटर डाले, 1/2 कप पानी से गला लिया सिंपल, उसके बाद आपने रेगुलर मसाले डाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ गया थोड़ा सा जायफल जावित्री पाउडर। ठीक है, अगर आप विदाउट शान के बना रही हैं, और 2 चम्मच दही डाल दिया सिंपल,
क्योंकि जायफल जावेत्री से ना गरम मसाले का जो एक जायका होता है ना, मतलब कि डिश का जो एक जायका होता है वो उठ जाता है जायफल जावेत्री की। उसकी खुशबू इतनी अच्छी इन्हेंस होती है सारे मसालों के साथ आपकी हांडी के अंदर, बहुत मज़े का लगता है। खैर मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ सब्ज़ी दालें, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा से ही मैं उनको स्टार्ट करवाती हूँ। एकदम से भर भर के देंगे तो बच्चा भाग जाता है फिर ना दाल सब्ज़ी से दूर। तो खैर अभी यहाँ पालक मैंने डाल दी थी, और बस इसको मैंने 10 मिनट के लिए ना, 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो इससे ये नीचे से लगा भी नहीं, जला भी नहीं कीमा, और पालक जो है दब गई, भुज गई, मीन्स के बैठ गई। तो बस मेरी फैमिली छोटी है तो मैं कम ही क्वांटिटी में बनाती हूँ। यकीन करिए इफ्तार में भी हमें पूरा हो गया था, इफ्तार तक भी हो गया था और थोड़ा बच भी गया था, क्योंकि इतना भर भर के हम लोग मोस्टली नहीं खाते हैं। डेली सॉरी इफ्तार वाली जो रूटीन हमारी चल रही होती है, और साथ साथ अपना अपना आपने ऐसे किचन भी नीड एंड क्लीन रखना है। और क्योंकि मेरी मैड ना जा चुकी है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके जो हैं गांव में नाना वगैरह का डेथ हो गई है, इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बस अब कुछ कह नहीं सकते मेरा क्या बनेगा। खैर मैं करती हूँ, मैं इस तरह से नहीं हूँ निठल्ली या नीलवटा सुन जो लड़कियाँ होती हैं, खवातीन होती हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम की आदत है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि बच्चे हैं, माशाल्लाह रूटीन है, घर है, काम है, और स्पेशली रमज़ान है, रमज़ान में माशाल्लाह इबादात हैं, तो वो भी हम स्किप नहीं कर सकते भाई कि हम व्लॉग में लगे हैं और इबादत को हम स्किप कर दें। तो फाइनली ये सहरी का टाइम था, बातों में मैं भूल गई, सहरी के टाइम पे जब आपने पालक कीमा में जो है ना मक्खन, धनिया और मेथी, सूखी मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो ऐड करनी है सर्विंग टाइम पर, ठीक है ना। आपने जब सर्विंग टाइम होगा जब इसको ऐड करना, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आती है, यकीन करें बहुत मज़े का इसका फ्लेवर उठ के आता है बटर में, बटर के साथ जब आप परांठों से इसको सर्व करती हैं सहरी में या डेली रूटीन में भी। स्पेशली आप ये सहरी में अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी है, मज़ेदार सी लगता है, बिल्कुल एक अलग सा पालक कीमा, लाजमी सी बात है। कितने लोगों का ये फेवरेट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं तल रही थी एग, एक अदर, अंडा लाजमी ज़बरदस्ती खाती हूँ मैं, अब ज़बरदस्ती खाती हूँ, ज़बरदस्ती खाती हूँ, एक तो मेरी उर्दू में भी ज़बान ना बहुत आगे पीछे लड़खड़ाती है। साथ हमारी यहाँ सहरी हो गई थी, छोटी सी मेरी रूटीन थी सहरी की। और जनाब चांद देखें कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि 14वीं के चांद के बाद का चांद था, मीन्स के 15वीं सहरी है ये हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। तो बस अभी ना मुझे ऐसे लग रहा है मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, और थक जाता है बंदा काफ़ी भाई, और बस अभी मेरी कोशिश थी कि मैं सो जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं मैं पहले वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो इसके लिए भी खासा 1 घंटा 2 घंटे हमें निकालने पड़ते हैं एडिटिंग के लिए, क्लिप वगैरह जो है। खैर अभी अजानें हो चुकी हैं, और यकीन करें अगर हम थके हुए हैं ना तो हमारी वॉइस भी उस तरह से ओवर नहीं होती कि मतलब उस तरह से हम नहीं बोल पाती। मेरे साथ तो ऐसे ही है स्पेशली। यहाँ मैंने फिर रफ्तार के लिए दाल बना ली थी हानिया की फरमाइश पे, कि उसने कहा कि अम्मी मैंने दाल ही खानी है। दाल को बेस्ट मक्खन जैसा गलाने के लिए ना आपने क्या करना, 2 चम्मच ऑयल डालना है उबलते टाइम, थोड़ी हल्दी डालनी है, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला, और साथ में लहसुन वाली दाल थी तो मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, अदरक नहीं डाला सिर्फ लहसुन। लहसुन चाहे तो साबुत डाल दें। देखें कितनी मैंने इसको ना घोटा है घुटनी से, ना मैंने इसको प्रेशर से पीसा है, मतलब मीन्स के मशीन वगैरह से पीसा है, सिंपल ये मक्खन जैसी इसी चम्मच से मैंने घोटा लगाया जो लगाया सिंपल, बाकी मक्खन जैसी हो गई थी। साथ मैंने 10 से 15 मिनट पहले ना इसमें टमाटर के जो क्यूब्स बना के कटिंग होते हैं ना चॉप्स करे हुए वो मैंने डाले। हम लोग इसी तरह से खाते हैं दाल में टमाटर को, एकदम मेल्ट नहीं करते, पीसते नहीं हूँ मैं, उससे क्या होता है देखने में भी दाल बड़ी कलरफुल, बड़ी मज़ेदार सी अच्छी लगती है। तो खैर दाल को मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ दाल ज़्यादा पतली नहीं खाई जाती, थोड़ी सी थिक मतलब वैसी होती है गाढ़ी, उसी तरह से हम लोग को अच्छी लगती है। तो सिंपल हमें इसमें डाल देंगे बड़ी वाली हरी मिर्ची, आजकल ये बड़ी मज़े की और अच्छी अच्छी आई हुई हैं, लाइट लाइट कच्ची कच्ची सी लाइट कलर्स की हरी मिर्ची, तो आप लोग डेली मतलब इसके मज़े उड़ाएं। और मैं भी जो है ना अपने इफ्तार में और सहरी में माशाल्लाह बहुत बना रही हूँ ये, क्योंकि ये सीज़न वाली मिर्ची हरी मिर्ची बहुत, और ये इतनी थीकी भी नहीं होती। तो मैंने इस तरह से जो है ना आगा खान के हॉस्पिटल में खाई थी, जब मेरा हसनैन साहब जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तब मुझे इस तरह की आगा खान हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ एडमिट थी तो मुझे वो लोग लंच टाइम इस तरह से मुझे मिलती थी खाने के लिए, तो मुझे वो याद आ गया था। तो मैंने फिर इसी तरह से ना मैं इसी तरह से जब से जो है हरी मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली जब ये सीज़न वाली मिर्चें आती हैं मूंग मसूर की दाल में, बहुत मज़े की लगती हैं फ्रेश फ्रेश सी, आप लोग भी इसी तरह से डालकर इंजॉय कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं एक प्लेट में एक बंदे को एक ही मिर्च जो है ना सर्व करते हैं नान के साथ या रोटी के साथ, चाहे कैंटीन से आप अलहदा लें या जो बंदा होता है वहाँ पे एडमिट पहले से पेशेंट, तो उसको भी वो इसी तरह से सर्व करते हैं। खैर अभी बघार पे आ जाते हैं,
तो भगार के लिए मैंने क्या किया कि मैंने लहसुन ले लिया, प्याज मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं आप लोगों को पता है, तो प्याज मेरे घर में नहीं डलती है भगार में भी, और प्याज ना भगार जो है ना काला भी कर देती है दाल वगैरह को। खैर लहसुन डाला, कड़ी पत्ता, राई, ज़ीरा, सब गोल वाली लाल मिर्च डाल के मैं इसको भगार लगा दूँगी। बहुत ये मज़े की बनती है ये दाल ना, सिंपल बहुत मज़े की बनी थी। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह अफ्तारी वो इतना शौक से नहीं खाते हैं जितना कि आज उन्होंने अपने टेबल पे ये दाल चावल, माशाल्लाह ईमान ने भी बहुत शौक से खाया है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी ये कलरफुल दाल लग रही है, और हरी मिर्चें यकीन करें इतने मज़े की लगती हैं ना ये दाल के साथ। अभी हो गया है माशाल्लाह जो है अफ्तार टाइम, 6 बज चुके हैं, और नॉर्मली मैं 6 बजे असर की नमाज़ के बाद ना अपने किचन में आ जाती हूँ, और इमामा पढ़ा रही हैं, बच्चों की ट्यूशन टीचर आई हुई हैं, और कारी साहब भी पढ़ा के जा चुके हैं, और यहाँ थोड़ी देर में बैठ के पहले नात वगैरह सुनती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है नातें जो ये पढ़े होते हैं, और ये मेरा फेवरेट शो है ARY का, मैं हर रमज़ान करीब में ही लगाती हूँ, थोड़ी देर पहले डाइनिंग टेबल जब मैं लगा रही होती हूँ एक माहौल सा बन जाता है, नाते पढ़ रहे होते हैं वो लोग, और एक समा सा बन जाता है नातों के साथ ना। और जो है मैंने यहाँ पे शामी कबाब रेडीमेड ही यूज़ किए हैं, मैंने कोई मेहनत नहीं की शामी कबाब के साथ ना, ये मेरे पास माशाल्लाह फ्रोज़न ही होते हैं, सीख कबाब हो जाएँ या परांठे या शामी कबाब या एनी टाइम होते हैं मेरे फ्रिज में, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना मैनेज करना समटाइम काफ़ी मुश्किल होता है, चाहे गेस्ट आ जाएँ तो उनको भी मैं इसी तरह से सेक कर दे देती हूँ, डाउन के लेती हूँ कभी कभी, ये डाउन के लेती हूँ या फिर मनोसलवा के भी बेस्ट हैं भाई। तो यहाँ मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह सिंपल सी हेल्दी सी अफ्तारी लग चुकी है दाल सब्ज़ी के साथ, और साथ ले आए मेरे हस्बैंड सैंडविच। तो बस अभी ऐसा है 4-5 दिन ना मैं ऐसी नॉर्मल दाल सब्ज़ी ही रखूँगी मेन्यू में, काफ़ी तलाइयाँ वलाइयाँ हो गई हैं जो ना बदहजमी का बाइस बनती हैं। साथ तो खैर ऐसे ही है कि बस थोड़ा नॉर्मल फ्रूट्स हो गए, सब्ज़ी हो गई, इस तरह से लाइट खानों पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं। खैर यहाँ मैंने चावल भी बॉयल कर रहे थे, लास्ट टाइम पे मैं सर्विंग करूँगी चावलों की गर्मा गर्म, और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, उसके मैंने कोई क्लिप्स वगैरह ऐड नहीं किए क्योंकि भाई क्या दिखाने कपड़े शपड़े जो हैं धुल रहे हैं नहीं धुल रहे। और ये हमारी मानो ये तकरीबन 15 दिन से आ रही है, फिर मैं इसको मना भी नहीं करती, यकीन करिए अफ्तार से पहले और सहरी से पहले आती है 5 मिनट पहले, जैसे लगता है कि इसने भी रोज़ा अफ्तार करना होता है। तो ये देखें, और अभी मान के हमने बेबी कट अच्छा सा हेयर कट भी करवाना है, और यहाँ ये फुदक रही हैं अपनी मानों के साथ, इनका बड़ा दिल लग गया है। तो बस जनाब यही थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन और कुकिंग, और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, और इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इस मुबारक महीने में, जितना जिसका जिस तरह से भी आप ख्याल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। तो बस अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी, टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।